नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टाइम न्यूज़, मैं आपके साथ संकल्प तिवारी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर पक्षकार इकबाल अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि वर्तिका सिंह उनके निवास पर पहुंची और अयोध्या मसले सहित ट्रिपल तलाक पर चर्चा करने के दौरान नाराज हो गयी और उनके साथ अभद्रता करने लगी। वहां मौजूद घर की महिलाओं और उनके गनर ने बीच बचाव किया। इकबाल अंसारी ने घटना की सूचना इलाके की पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस वर्तिका सिंह को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ अभद्रता करने का मामला आया। आरोप है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय शूटर बताने वाली वर्तिका सिंह ने राम मंदिर विषय सहित ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर वार्ता करने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता की। वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने अभद्रता की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस ने वर्तिका सिंह समेत एक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मैं अपने घर पर मौजूद था, एक महिला जो है एक आदमी मेरे घर पर आया, उसने कहा कि हमें बाबरी मस्जिद की जो है मुद्दे से बात करनी है, तो हम कहा ठीक है भाई बात करो। तो उसने जो है आते ही कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं और तुम जो है इस मुकदमे को फंसाए हुए हो, मुकदमा जो है हटाओ, मतलब जो है मंदिर बनना शुरू जो हो जाए। तो हम कहा ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, अकेले हम ही लोग थोड़ी ना है, हिंदुओं में 14 पत्रकार हैं, हमारे तरफ से पत्रकार हैं, हम तो बार बार कहते हैं कोर्ट फैसला कर दे, आज कर दे, अभी कर दे, हम मान लें और हमसे क्या उम्मीद चाहते हो। कहते नहीं तुम मुकदमा हटाओ, नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं। इतना कहते हुए उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और हाथापाई करने पर हो गया वादा। तो तुरंत हमारे यहाँ मौके पर गनर थे, तुरंत इन्होंने उसका जो है हाथ पकड़ा, जो है तुरंत जो है भी बचाव किया। मोहल्ले की तमाम औरतें भी जो है आ गई, हमारे घर की औरतें आ गई। अगर ये लोग मौके पर ना होते तो वो मारपीट करने पर थी हमारा। तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा जो है हम दरखास्त लिख के रखे हुए हैं अभी देने। आज दोपहर में थाना रंजन भूमि के मोहल्ला करियाना निवासी इकबाल अंसारी ने सूचना दिया कि उनसे एक युवक युवती वाद विवाद कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके उन दोनों युवक युवतियों को लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई।